आप सभी को जय हिंद जय भारत दोस्त। मैं आपका दोस्त रितेश ठाकुर सभी दोस्तों के यूट्यूब चैनल बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। दोस्तों आज का जो वीडियो होने वाला कोई वर्कआउट कोई एक्सरसाइज नहीं है। आज के वीडियो भाई साहब हम लोग खुद मोटिवेट हो गए इस बच्चे की देखकर। ये बंदा बहुत ही दूर से है, ठीक है। और आने के बाद कितने क्लास में, टेंथ में, ठीक है, टेंथ में क्लास है। और इस बंदे का जुनून है मुझे फौजी बनना है, ठीक है। और इस बंदे ने बोला कि मुझे सर फौजी बनना है, ठीक है। कल ही आया था मेरे पास और पहले सारे कल मतलब मेरे से बोला, ठीक है। तो दोस्तों बात करता हूँ कि इस बंदे को कहाँ से जुनून आया और क्यों बनना चाहता फौजी, सभी वीडियो को लास्ट तक जानेंगे। और देखो बंदे के पास जो भी, क्योंकि आजकल जो भी अपने मतलब यंगस्टर है, युवा है, वो ना मतलब कंफर्ट जोन के पीछे भाग रहे हैं, कंफर्टेबल जॉब सी उनको, ठीक है। बहुत ही कम रेयर है कि सिटी में, तो या बहुत ही कम है कि बच्चे फौज में जाना चाहते हैं, रेयर है भाई, थोड़ा मोड़े जो विलेज में। तो बंदे इससे कहाँ से आगे, इसको इतना टेंथ में तो बच्चे या डिसाइड नहीं करते उसका आगे वाला 11th में सिलेबस क्या लेना है, ठीक है। इस बंदे ने यहाँ पे सेल सेट किया कि मुझे फौजी बनना, ये इसके लिए बहुत बड़ी यार, इसको मेरा दिल से सलाम या सलूट है इस बंदे को, ठीक है। इसी के साथ जानते हैं कि इस बंदे ने कहाँ से मतलब फौजी आया, मतलब इसका इंट्रो आपके साथ शेयर करता हूँ। चलो मुकिल अपना नाम बताओ पहले। मेरा नाम मुकिल मंसारी है। बहुत बढ़िया, कौन सी क्लास में हो? टेंथ में। ये बात मुझे बताओ कि मतलब कहाँ से दिमाग में आया मतलब कि फौजी बनना है? जी आपको देखे धौ जाते हुए और यूट्यूब पर आपका वीडियो। अच्छा, मतलब यूट्यूब पे वीडियो देखते हो? जी सर। बहुत बढ़िया। फौजी क्यों बनना चाहते हो मुझे बताओ। जी सर, फौजी का वर्दी मुझे बहुत अच्छा लगता है, देश को सेवा करना। देश की सेवा करना, फौज की जॉब अच्छी लगती है? जी सर। पता है ना फौज की जॉब यार कितनी टफ है? जी सर। पता है 1600 मीटर प्लस उसके ऊपर ट्रेनिंग पीरियड कितना है, अभी वेट इतना ले रखे हो, कैसे होगा? जी सर, मेहनत करेंगे सर। और तो दोस्तों एक छोटा सा वीडियो था यार, बताओ इतना वेट लेके आया बंदे ने यहाँ पे सेट किया, अब मेरी जिम्मेदारी है कि इसको मतलब फिट करेंगे। आपके साथ वीडियो भी इसका शेयर करूंगा कि अभी मतलब वेट अभी तो बहुत थोड़ा मतलब लूज कर रहा है धीरे धीरे, आपके साथ वेट भी दिखाऊंगा, हाइट भी कम है, बंदा जीडी में कैसे जाएगा, क्लर्क में जाएगा, अभी टेंथ है तो इसके लिए हाइट की बताऊंगा कि यार कौन से जॉब इसके परफेक्ट बैठेगा, ठीक है। मगर इसको यार यह दिल से सलूट है कि इसके बंदा टेंथ में होते हुए ना इस बंदे ने दिमाग में सेट कर लिया मुझे फौजी बनना है, देश की सेवा करना, ठीक है। और एक बात बता देता हूँ, कल इसने क्या किया, पापा से बात करा दी, इनके पापा भी साउथ अफ्रीका, सऊदी अरेबिया है, ठीक है। तो वहां से उन्होंने, सर ने, इनके पापा ने जो भी हमारे पास कॉल किया, सर ने बोला जो भी यार मतलब आप सोच रहे हो सर, टेंथ में बच्चा और डायरेक्ट कॉल करता है कि मुझे फौजी बनना है, और क्या बोलता है तो मुझे फौजी बनना है, पेरेंट भी डिसाइड नहीं कर पाते कि मेरा बच्चा क्या आगे बनेगा, ठीक है। बच्चे को यार दिल से सलूट है। तो जो भी भाई मेरा ब्रदर जो भी है यंगस्टर युवा जाना चाहता है फौज में, उनके लिए दिल से सैल्यूट है पहले बात तो। और जो भी जाना चाहता है अच्छे से पढ़ाई करो, 10th 12th में जो भी एग्जाम देना चाहता है अच्छे से अपने मार्क्स लाओ, उसके बाद आप मतलब तैयारी धीरे धीरे करते रहो, रनिंग हल्का हफ्ते में 2 से 3 दिन आप रनिंग करते रहो, अच्छे से पढ़ाई करो कि आपका रिजल्ट अच्छा आ जाए, उसके बाद आपको कोई नहीं रोक सकता फौजी बनने से, ठीक है। और इस बंदे को देखो अभी मेरे पास जब भी तक है आपको वीडियो आपको लास्ट तक शेयर करते रहूंगा, क्या क्या वेट कर रहा हूँ, ट्रेनिंग करवा रहा हूँ, उसका वेट घट जाए, साइकिल चला के भाई एवरीडे 6 किलोमीटर साइकिल चला के आता है, ठीक है बंदा। अब बताओ यार अभी क्या बनना है, तो फौजी बनना है, ठीक है। तो दिल से सैल्यूट है यार, और जो भी फौजी बनना चाहता है उसके लिए दिल से सैल्यूट करता हूँ पहली तो बात। और दोस्तों जो भी इंडियन आर्मी तैयारी करना चाहता है, यूट्यूब पर बहुत सारे हमारे वीडियो पढ़ रखे हैं, जो लोकेलिटी अपना तो अपने अकेडमी बिल्कुल ज्वाइन कर सकते हैं। और दोस्तों अकेडमी ज्वाइन कर बिल्कुल फौजी या बिहार पुलिस का भी स्पेशल अपना बैच चल रहा है, आर्मी का और बिहार पुलिस का बैच चल रहा है, जो ज्वाइन करना चाहता है बिल्कुल ज्वाइन कर सकते हैं। और दोस्तों बस ऐसे ही आप अपना घर में प्रैक्टिस करो, और दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, सभी दोस्तों को मेरे तरफ से जय हिंद जय भारत दोस्तों।